प्रातः क्लास चल रहा था, एक नौ 1967 शुक्रवार को सातवें पीज के लगभग मध्य में बात चल रही थी कि माया बड़ी जबरदस्त है, ये बाप ने आकर के समझाया है। दुनिया कोई नहीं कहती है कि एक बाप ही है, वो आकर के साधारण तन में बैठ करके कहते हैं, मीठे बच्चों ये माया बड़ी दुस्तर है, जबरदस्त है। ये जैसे मेरे को कहा जाता है वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी, जैसे मेरे को कहा जाता है कि है जैसे मेरे को कहा जाता है वर्ल्ड ऑल माइटी, तैसे ये रावण भी वर्ल्ड ऑल माइटी है। ये पांच विकार देखो, ये आधा कल्प पूरा, किसकी तरफ इशारा किया? पांच विकार। देखो किसको देखें? पांच विकारों को देखो, आधा कल्प पूरा वर्ल्ड ऑलमाइटी। अभी तुमने जाना कि अभी भी नहीं जाना ऑलमाइटी कौन है? अच्छा, जो वो ऑलमाइटी है दुश्मन, उनको फिर जलाते भी आते हैं। और दुश्मन की एफजी को जलाना कहां से सीखे? सो बताओ। अरे कुछ भी जवाब नहीं, कहां से जलाना सीखे? हाँ, रावण की एफजी को कहां से जलाना सीखे? संगम से। कैसे है? संगम युग में तो ब्राह्मणों की दुनिया होती है, ब्राह्मण कहां रावण की एफजी बनाते हैं? है बेसिक में रावण की एफजी बनाते हैं? नहीं बनाते, बनाते तो है? जैसे दुनिया वाले रावण की एफजी बनाते हैं, बेसिक वाले भी बनाते हैं, जलाते हैं। कहां से सीखे? पांच विकारों ने सिखाया, पांच विकारों को जलाते हैं। कौन है पांच विकार? बताया, ये पांच विकार देखो, इनको देखो, आधा कल्प पूरा ये पांच विकार। पांच विधर्मी, पांच विपरीत धर्मी,
अच्छा, तो इनको जलाना कहां से सीखे? कहते संगम युग से। है कौन जलाता है और किसको जलाता है संगम युग में? कहेंगे बेसिक ज्ञान वाले जलाते हैं, एडवांस वाले नहीं जलाते है? अरे जलाते हैं ना, तो किसको जलाते हैं? एडवांस वाले किसको जलाते? कहते पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको जलाते हैं। अच्छा, कहां से सीखे? कहते संगम युग से सीखे। कौन सीखे? बेसिक वाले सीखे कि एडवांस ज्ञान वाले ब्राह्मण सीखे? हैं, किससे सीखे? अरे चलो, एडवांस वाले सीखे, बेसिक वाले नहीं सीखे, वे नहीं सीखे। अच्छे, माता जी कहते बेसिक वाले तो थोड़े ही जलाना सीखा, एडवांस वाले जलाते हैं। तो किससे सीखा अब एडवांस वालों ने? चलो एडवांस वालों ने ही सही। एडवांस वाले माने बीज रूप दुनिया वाले ब्राह्मण, वो किससे सीखा? अरे अरे, उसका नाम तो बताओ, किससे सीखा? शिव बाबा से सीखो। वाह, शिव बाबा ये जलाने करने का काम करता है, ये जी बनाता है, ये धंधा रह गया बाबा को। वो भी शिव बाबा। अकेला बाबा बोला होता तो भी ठीक है, नाम लगा दिया शिव बाबा, जो कल्याणकारी है। शिव माने कल्याण का, वो जलाता है। अरे किससे सीखे? वो कहां चक्कर में पड़ गए, राम से सीखे। हा, पहले पहले कौन जलाता है रावण को? कौन जलाता है? अरे राम ही तो रावण बनता है। जब रावण बनता है तो देह अभिमानी है कि आत्मा अभिमानी है? देह अभिमानी, वो देह अभिमानी है तब थोड़े जलाएगा। वो देह अभिमानी को बाप आकर के बताते हैं, तुम तो आत्मा हो, तुम देह थोड़े ही हो, है तुम आत्मा हो, देह पांच तत्वों का पुतला थोड़े ही हो। तो फिर पहले पहले कौन जलाता है रावण को? जिसे सारी दुनिया ने, भारतवासियों ने खास सीखा है, पहले पहले कौन जलाता है? जिससे पहले जलाया होगा वो ही सिखाएगा है। तो बताया राम ही रावण बनता है। तो जब राम बना, राम माने योगी है, राम माने योगी की भोगी है, योगी। तो जब योगी योगाग्नि जलाता है तो रावण जलता है। अब समझ में आया ये रावण जलाना कहां से सीखे? है रावण से सीखे, क्योंकि ये रावण पुराना दुश्मन है ना। नया दुश्मन है या पुराना दुश्मन है? कितना पुराना दुश्मन है? बताओ। तो
2,500 साल पुराना दुश्मन है। अच्छा, उससे पहले दुश्मन नहीं था है? दुश्मन नहीं था, दोस्त था। कब? अनंग था। अच्छा, राम को शरीर ही नहीं था। राम को राम ही तो रावण बनता है, है? पुराना दुश्मन है तो अभी भी कोई दुश्मन होते हैं है? तो पुराना दुश्मन, लेकिन अभी तो जो दुनिया है वो तो नई बन गई ना, बाद में रावण की भी नई दुनिया है कि नहीं? पॉम्प एंड शो वाली दिखावा बहुत करती है, तो अभी भी कोई दुश्मन होते हैं। तो देखो फिर, वो कोई का भी होते हैं दुश्मन, वो कोई का भी दुश्मन, काम के दुश्मन, क्रोध, जैसे वो चीन का है। 67 में कौन चीन का दुश्मन था है? 67 में, वाणी 67 की है ना, तो 67 में चीन का दुश्मन कौन था? 67 में है, वो तो 64 में युद्ध हुआ। ये वाणी तो 67 की चल रही ना, जैसे वो चीन का है, वो चीन का दुश्मन है वो। बाबा तो भारत में बैठ के मुरली चला रहे हैं ना, तो वो किस तरफ इशारा किया? तो उनका भी एफजी बना करके वो जलाते रहते हैं, वो जलाते रहते हैं, क्योंकि दुश्मन है। तो एफजी तो बहुतों की जलाते है, ऐसे नहीं सिर्फ रावण की जलाते हैं कि भाई राम ही रावण बनता है, तो उस रावण की एफजी जलाते हैं है? जैसे कोई दुश्मन है नेहरू का है कोई कि नहीं? नेहरू का कोई दुश्मन है? कोई है? उनकी एफजी कोई होंगे फलाने ढिकाने, कोई होंगे। हा टीरे फलाने, तो ये तो बनाते रहते हैं ना। क्या बनाते रहते हैं? एफजी बनाते रहते हैं। अभी ये रसम कहां से पड़ी? कहां से पड़ी? कहां माने स्थान बताओ। ये रसम कहां से पड़ी? रसम बताओ कहां से शुरू हुई है? से में भारत से, भारत से रसम शुरू हुई, संगम में भारत से शुरू हुई। अच्छा, संगम तो समय का टाइम नाम हो गया, वो तो संगम तो 100 साल का है, तो उसमें फिर खोद के निकालना चाहिए। आखिर 100 साल में क्या हर साल में रसम पड़ती रही कि कोई खास टाइम होगा जहां से रसम पड़ी? एक तो संगम टाइम का नाम बताया, यज्ञ के आज से ही रसम पड़ गई। ओहो है, यज्ञ के आज से ही रसम पड़ गई,
राम ने अपने दुश्मनों को पहचान लिया उसी समय है? अरे राम पहले अपने को पहचानेगा, तब अपने अंदर के रावण को पहचानेगा, तब फिर योग बल से जलाएगा कलयुग के अंत। अभी संगम बता रहे थे, अभी कलयुग में 1200 वर्ष में पहुंच गए। कलयुग तो 1250 वर्ष का होता है। 1976 से रसम पड़ी। अच्छा चलो, ये तो टाइम की बात हो गई, कहां से पड़ी स्थान बताओ। कहां कहां माने स्थान? कहां? दिल्ली से पड़ी। ओह, कह रहे दिल्ली से पड़ी। दिल्ली से रावण जलाना शुरू हुआ रसम, रावण जलाने की दिल्ली से शुरू हुई। दिल्ली तो कहते हैं स्थापनाकारी है। दिल्ली नॉर्थ इंडिया में है या साउथ इंडिया में? कंपिला से। कंपिला से रावण को जलाना शुरू किया। अच्छा, कपिल मुनि ने रावण जलाने का धंधा शुरू किया क्या है? विस्तार किया रावण का, कौन कौन से सिर हैं? बंबई है विनाशकारी। नॉर्थ इंडिया की राजधानी तो खास, पहले तो भारत नॉर्थ इंडिया में ही था ना, दक्षिण भारत में तो भारत था ही नहीं। तो भारत, दक्षिण भारत तो बाद में निकला ना समंदर में से, तो वो हो गया दक्षिण भारत, भारत का विदेश, और नॉर्थ इंडिया हो गया भारत। तो दिल्ली जो भारत की राजधानी नई दुनिया में भी थी और अभी पुरानी दुनिया में भी राजधानी है, वो तो स्थापनाकारी है, तो वो स्थापन करेगी या जलाएगी है? जलाएगी है? नहीं भाई, ये तो बात जची नहीं। कहां से रसम पड़ी भारत में? कहां से रसम पड़ी है? ये कहां से सीखे हैं? स्थान बताओ। कहते हैं दिल्ली से सीखे। दिल्ली से कैसे? दिल्ली में रावण बहुत जबरदस्त काम करता है क्या है? दिल्ली में राम का गायन है क्या? अरे संगम युग में जो होता है उसका गायन कहां होता है? भक्ति मार्ग में गायन होता है ना, चाहे राम हो और चाहे रावण। कहां से सीखे? तो दिल्ली से सीखे बता रहे है। अब सीखे हैं ये कौन, ये कह के किसकी तरफ इशारा किया? अब सीखे हैं ये किसकी तरफ इशारा किया है? ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा किया। जन्म जन्मांतर सीखे, और रावण को जलाने की परंपरा चली आ रही है। जहां से शुरुआत की होगी वहां से रावण को जलाने की परंपरा, तो ये परंपरा से रावण को जलाते रहते हैं, तो शुरुआत कहीं से तो हुई होगी है? कहां से हुई? रावण को जलाते रहते हैं क्योंकि दुश्मन है ना। अभी दुश्मन है, अभी दुश्मन है, पहले नहीं था। अभी बड़ा दुश्मन है कि पहले बड़ा दुश्मन था?
अभी दुश्मन है, अभी बड़ा दुश्मन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये कलयुग के अंत तक सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो अभी बड़ा है। शुरुआत में तो काम विकार ही था, पहले से तो बाद में तमो। काम विकार का मुखिया कहा जाता है ना, है जो और जो भी विकार है उनका मुखिया डकैत कौन है? गधा। अच्छा गधा मुखिया है? है गधा कैसे मुखिया है? रावण को कोई गधा कहेगा? रावण ज्ञानी है या गधा है? बताओ। रावण तो बहुत ज्ञानी था, रावण के ऊपर कंट्रोलर था गधा, तो मना गधा अलग है रावण अलग है। गधा किसी को रुलाता है बेचारा? है सारा दिन काम करता है और रात को जाकर के धोबी के घर में, कुमार के घर में गाय भैंस की जो घास पड़ी होती है झूठी झाटी, सो बेचारा खा करके सो जाता है। गधा सुन है, इतना सीधा साधा। बताओ अभी तो कहती थे रावण तो सुन है। गधा जिसका पार्ट है वो आत्मा, उसमें प्यार का पार्ट भरा हुआ है, सहन शक्ति का पार्ट भरा हुआ है। गधा सब कुछ सहन करता है, है? या वो रावण हो गया? बताओ। दुश्मन है अभी कैसा है? अब आए कैसा पर, कैसा दुश्मन है? है बहुत ऊंचे किस्म का दुश्मन है, मीडियम है या नीचे किस्म का है, कैसा है और कब है ये दुश्मन? ये दुश्मन कब से है? बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते एकदम। लो अच्छा, तो दुनिया वाले नहीं जानते, हम ब्राह्मण तो जानना चाहिए ना, हमको तो बाबा ने सारा ज्ञान दे दिया ना, नहीं दे दिया? एक और प्रश्न कर दिया, कब से दुश्मन है और कैसा दुश्मन है और कहां से सीखे जलाना, शुरुआत कहां से हुई? दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते एकदम। फिर देखो ये अभी होगा क्या? क्या होगा? अरे ये अभी होगा, अरे रावण को जलाना करना, ये अभी होगा। होगा माने नौवां महीना चल रहा है ना वाणी का, तो सितंबर, नौवां महीना नहीं अगस्त सितंबर, उसके बाद नौवां महीना सितंबर, उसके बाद अक्टूबर में होती है। क्या अक्टूबर में क्या होता है? दशहरा। तो बताया अभी देखो ये होगा, क्या होगा? परंपरा निभाते हैं, निभाने का, रावण को जलाने का, ये देखो होगा अभी। अच्छा माने अक्टूबर में दशहरा होगा। निमंत्रण आया ना बच्ची? क्या निमंत्रण आया? क्या ब्रह्मा कुमारियों को, ब्रह्मा बाबा को, क्या क्या निमंत्रण आया है? किस धूमधाम से ये रावण और ये सीता का
धूमधाम से ये रावण का और ये सीता का वो बहुत धूमधाम से मचाएंगे जहां से निमंत्रण आया। कहां से निमंत्रण आया? सीता का? सीता का? ओहो, राम के साथ सीता नहीं होती है? सीता, सीता को रावण ने अपने कब्जे में कर लिया होगा, तो सीता का नाम ले लिया। रावण को जलाया ना, रावण को जलाया तो कुछ कारण होगा ना। क्या कारण? सीता को रावण ने अपने कब्जे में ले लिया। सीता को? सीता को? अरे जगदम्बा सीता अकेली, अरे छोटी मां सीता, लो छोटी मां सीता हो गई। धरणी से पैदा होती है, धरणी में समा जाती है सीता। वाह भैया, ये तो आपस में लड़ रहे हैं। एक कहता है जगदम्बा सीता, दूसरा कहता है छोटी मां सीता। हाँ अब आए, तुम सब सीताएं हो क्या? तुम सब नंबर वार सीताएं। हाँ तो देखो, ये जो सीता का और राम का जो बड़ी धूमधाम से दशहरा मनाएंगे, उन्होंने निमंत्रण भेजा है। किन्होंने? अभी तो कुछ बताया था, धूमधाम से जिन्होंने मनाना, उन्होंने निमंत्रण भेजा बाबा के पास। किसने भेजा? कहां से निमंत्रण आया? मैं सुर थोड़े ही, सुर माने देवता, मैं माने मैं देवता। तो मैं सूर, सूर माने दो अर्थ होते हैं, सूर माने सूर्य, मैं सूर्यवंशी, और दूसरा सूर माने अंधा। सूरदास को अंधा कहते हैं ना, तो सूर माने अंधा भी और सूर माने देवता भी, बहुत रोशनी वाला। वो तो ठीक है, जो रोशनी वाला बहुत बनता है वो अंधेरा में भी चला जाता है। तो मैसूर में बहुत राजा जोर शोर से मनाएंगे। अच्छा, अभी तो लड़ाइयां थी ना, तो बंद कर दिया था क्या? ये मन, ये क्या नाम, दशहरा मनाना करना, ये बंद कर दिया था। लड़ाइयां थी ना, कहां से, किसकी किसकी लड़ाइयां थी? वो 64 में चीन की लड़ाई हुई ना, है तो लड़ाइयां थी, इसलिए बंद कर दिया था। है और अभी ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई लगी ना, है 65 में फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई लग गई, तो दोनों लड़ाइयों के बारे में बाबा को याद आ गया, 64 में और 65 में। अब ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई लगी ना, तो ये रावण को जलाने का जश्न परंपरा बंद कर दिया। अच्छा, अभी इस बारी बड़ा जोर शोर से बनाते हैं। क्या? इस बारी माने 67 में बड़ा जोर शोर से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? है मनाते हैं कि बनाते हैं? है क्या करते हैं? बनाते हैं, मनाते नहीं। रावण का एफजी बनाते हैं और बड़ा जोर शोर से बनाते हैं। वो कौन? वो माने कौन? अरे अरे, कहां से निमंत्रण आया?
मैसूर से आया ना, तो वो माने मैसूर वाले वो एग्जीबिशन भी बनाते हैं। है काहे का एग्जीबिशन? दशहरे का, और निमंत्रण भी दिया है, समझा ना? और वाकिफ तो होने से फिर वो अच्छी तरह से जा करके देख सकते हैं। है वाकिफ माने जानकारी, जानकारी होने से अच्छी तरह से वो म्यूजियम जा करके देख सकते हैं, एग्जीबिशन जाके देख सकते हैं। पर बच्चे क्या देखेंगे वहां? है हाँ, जा करके क्या देखेंगे? पूछा, क्या देखेंगे? है? अरे ये तो बंदरों की बातें हैं। क्या क्या बंदरों की बात है? क्या बंदरों की बातें क्या है? है घूमना फिरना नहीं, लड़ाइयां करना और एफजी बनाना, रावण को जलाना, ये बंदर की बातें हैं। ये तो वहां जाकर के बंदर ही देखना पसंद करेंगे। है उन बंदरों को फिर मजा आएगा क्या? रावण को जो एफजी बना के जलाएंगे वो देखने वाले कौन होंगे? बंदर ही होंगे। तुमको क्या मजा आएगा? है तुम ब्राह्मण है, ज्ञानी तू आत्मा, तुमको वो देखने में क्या मजा आएगा? देखने में मजा आएगा? है देखने में मजा आएगा कि ड्रामाबाजी करने में मजा आता है तुमको? तू ड्रामा खेलने वाले हो भेद का कि देखने वाले हो? है क्या हो? देखने वाले है हम तो बेहद का ड्रामा खेलने वाले हैं ना, एक्टर्स हैं। तो तुमको कोई मजा नहीं आएगा, तुम बोलेंगे है ये तो नॉनसेंस बुद्धि है। क्या कौन? जो ये एफजी बनाते रहते हैं और जलाते रहते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? है उन मैसूर वालों को ज्ञान देना चाहिए अच्छी तरह से। क्या ज्ञान की मैसूर में कमी है? नाम है मैसूर, मैं सूर्य और ज्ञान की कमी, ऐसा होता है क्या? है होता है? नहीं, सूर्य में कहां रोशनी रोशनी, ज्ञान की कमी क्या है? ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाला हो या सूर्यवंशी हो, उसमें कोई ज्ञान की कमी होगी क्या? नहीं। तो तुमको उनको ज्ञान देना चाहिए अच्छी तरह से, समझाए करके ज्ञान देना चाहिए। क्या समझाएंगे? है कि कोई एफजी बनाने से, रावण को जलाने से रावण जलता नहीं है, खत्म नहीं होता है, वो तो अगली साल और बड़ा हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? हैं? 1967 की वाणी का 8वां पेज। उनके पास तो पहले ही जाना चाहिए। हैं? वो मनावे करें उससे पहले ही उनके पास पहुंच जाना चाहिए कि हम दशहरे का तुमको रहस्य बता दें। क्या है? क्या रहस्य? दशहरे का रहस्य क्या है? है क्या रहस्य है? है राम का विजय। राम का विजय? अरे पहले रावण को जलाएंगे तब विजय होगी, पहले ही विजय हो जाएगी।
राम का विजय रावण के ऊपर। अच्छा, तो इसमें रहस्य की बात क्या है? ये सीता बीता, सीता के साथ क्या नाम रख दिया? बीता। क्या बीता? चोरी नहीं हुई है क्या? ये कोई सीता बीता चोरी नहीं हुई है, ये तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझा सकते हैं, है? बिल्कुल अच्छी तरह से चिट्ठी में लिख सकते हैं, ये लिखने में कोई इंसल्ट नहीं है क्या? चिट्ठी में क्या लिख सकते हैं कि कोई सीता बीता चोरी नहीं हुई है, इसमें इंसल्ट कोई बात की नहीं, लिख सकते हो? युक्ति से अगर कोई चिट्ठी लिखे महाराजा को, किसको? मना मैसूर में मनाना शुरू किया, किसने शुरू किया होगा? सरसत में कोई महाराजा था कि नहीं था? तो उस महाराजा को युक्ति से अगर कोई चिट्ठी लिखे, क्योंकि ये तो जो मरता है और मरने के पिछाड़ी जो गद्दी पर बैठता है, तो जो मरता है वो सब मनाते जाते हैं, है? मरता हुआ कैसे मनाता जाता है? रावण मरता है ना, रावण की बात बताई, रावण मरता है तो मनाते जाते हैं। जैसे यहां भारत में भी तो होते हैं ना, क्या मनाते रहते हैं? आगे तो गवर्नमेंट थी, कौन सी गवर्नमेंट है? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, अभी तो प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन है, तो वो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो लोग नहीं मनाते थे क्या? क्यों नहीं मनाते थे? हा? कि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं मनाते थे? कि वो रावण नहीं जलाते थे? हा? जलाते थे कि नहीं? क्रिश्चियंस कहां जलाते हैं रावण को, है? उनको रावण जलाना आता नहीं? नहीं आता? नहीं आता? क्यों? संग उन्होंने अपने रावण को नहीं जलाया होगा? जलाया होगा? अरे कभी कहते हाँ नहीं जलाया, कभी कहते जलाया। क्रिश्चियंस ने संगम में रावण को जलाया कि नहीं जलाया? वो रावण खुद हिस्सा है रावण के। अरे रावण के हिस्सा क्या है? क्या हिस्सा है रावण के? हाँ, क्रोध हिस्सा है, वो खुद रावण का हिस्सा है, क्रोध उनका हिस्सा है, क्रोध का मुख। अच्छा, बस क्रोध का मुख हिस्सा है, दूसरा कोई हिस्सा नहीं? अरे दूसरा भी होगा, भूल गए? याद करो, है? पांच विकार, पांचों विकार क्रिश्चियंस में होते हैं। अहंकार, हा, एक अहंकार और दूसरा क्रोध। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले नहीं मनाते थे, फिर भी ये बनाते थे। कौन ये माने? कौन? मैसूर के महाराजा की तरफ इशारा किया ना, ये बनाते थे। ये जो महाराजा महारानियां थे ना, ये अपने अपने देश में रावण को जलाते थे, अपने अपने देश में। तो अभी तुमको तो बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है ना,
है, क्या ज्ञान मिला हुआ है? ये तो कोई बाहर के रावण को जलाने की बात नहीं है, ये तो वास्तव में हर आत्मा के अंदर है। द्वापर कलयुग में विधर्मियों के संग के रंग से अपने अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ जाते हैं, तो अपने अंदर के रावण को जलाने की बात है। तुमको तो ज्ञान मिला हुआ है, समझा ना? तो अभी तो तुमको समझाना पड़े सबको अच्छी तरह से है। अभी तो मैसूर में जाने की बात कर रही थी कि उनको जाकर के समझाओ, फिर कहा सबको अच्छी तरह से समझाना चाहिए। ये रावण ये दशहरे पर भी तुम्हारी बहुत अच्छी सर्विस चल सकती है। क्या? कौन से टाइम पर? कौन से टाइम पर? दशहरे के टाइम पर भी, वना और जो त्योहार हैं उन पर भी अच्छी सर्विस चल सकती है। है और अभी दशहरा पर है भारत में, यहां बड़ा यहां इस कमरे के अंदर है। अभी दशहरा के सीजन में, अच्छा अभी दशहरा के सीजन में तुम्हारी बहुत अच्छी सर्विस चल सकती है। अच्छा इसी प्रकार समझाने से, किस प्रकार समझाने से, कि रावण कोई बाहर का तो कोई दुश्मन नहीं है, ये तो हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, यही दुश्मन है। शायद कोई फिर चित्रों के लिए भी बाबा समझावे है। कौन से चित्र? अरे रावण के मुख बनाते हैं तो चित्र हुए ना, तो भविष्य के लिए बताया कि बाबा हो सकता है रावण के वो चित्र जो दिखाए है ना, 10 मोहरे 10, तो उसके ऊपर भी बाबा समझावे कि कौन कौन सा मुख कौन कौन से विकार का है। रावण कोई है ना, आगे तो बनाते हैं ना रावण का, ये रावण है, फिर कहते हैं ये राम है, क्या अंतर है दोनों में? अंतर है कुछ भी नहीं। क्या क्या अंतर है? रावण रुलाता है और ये राम, हा? राम क्या करता है? रमी थे रमणी के बनाता है हुँ? तो खास अंतर क्या है? रावण को 10 सिर हैं, मिलजुल करके काम करता है, और राम को एक ही सिर है। क्या सिर माने? बुद्धि। एक ही सिर राम को है और रावण को अनेक सिर है, तो ये अभी रावण का राज्य है 10 सिरों का, मन मिलजुल करके राज्य करते हैं, और राम है? राम का राज्य है जंगलों, बेचारा कांटों के जंगलों में पड़ा हुआ है रावण से लड़ाई करने के लिए, उसका राज्य है? है राम छोटा आत्मा अभिमानी है, है राम है एक सिर वाला, माने एक की बुद्धि के आधार पर चलता है, और रावण अनेकों की बुद्धि के आधार पर चलता है। तो ये अभी रावण का राज्य है,
अनेक मिलकर के एक जुट हो जाते हैं और फिर उनका राज्य चलता है। राम का राज्य अभी आ रहा है, अभी है नहीं, आ रहा है। या राम का राज्य है, राज्य नहीं है? अच्छा, वाह भाई, माता जी के ऊपर राज्य ही नहीं है राम का, है क्या बात है? राज्य नहीं है राम का? अरे राम आया कि नहीं आया? आया, पहचान में आ गया, लेकिन राज्य नहीं, हम मानेंगे नहीं उसको। अभी कहते मानेंगे, अभी कहते नहीं मानेंगे। ये अभी रावण का राज्य है, राम का राज्य आ रहा है, माने एक का राज्य अभी आ रहा है, और नहीं तो है किसका है? वाह, कई इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे द्वापर का आदि है, तो द्वापर के आदि में कौन कौन इकट्ठे हो गए? वो तो इब्राहिम आया, कामी इस्लामी, तो कौन इकट्ठा हो गया? एक ही सिर तो था, है? क्या छत पे से नीचे उतर आया है? अरे रावण एक ही था ना द्वापर के आदि में, दूसरे 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 जो विकारी धर्म है वो कहां थे? लोभी मुस्लिम कहां थे उस समय द्वापर के आदि में है? क्रोधी क्रिश्चियन कहां थे? थे क्रोधी क्रिश्चियन तो नहीं थे, तो वो द्वापर के आदि में रावण भी तो एक सिर वाला था। नहीं था है? कैसे अकेला नहीं था? नष्ट देव आके मिल गए। हा, जो देवताएं थे ना सत्युग त्रेता में, वो सब देवताएं द्वापर में आए तो मातृ देश से आए, वो तो सब माताएं हैं, मातृ देश वाली। उनकी खासियत क्या है? है पितृ देश की है या मातृ देश की है? माताएं हैं सब। तो वो रावण से मिलकर के एकजुट हो गई, तो मेल हो गया ना। किसका किसका मेल हो गया है? माता का मेल हो गया और रावण का मेल हो गया। बच्चों का प्रभाव, बच्चों का प्रभाव, प्रभावित हो गए बच्चे। जो रावण के रावण था उससे जो भगवान के बच्चे देवताएं थे वो प्रभावित हो गए। माता थे ना मातृ देश वाले, तो फिर एकजुट हो गए कि नहीं है? एकजुट हो गए। तो द्वापर के आदि में भी ये नहीं कहेंगे कि रावण एकजुट होकर के नहीं लड़ाई लड़ता है, दुख नहीं देता है। हाँ, द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक ढेर सारे धर्म इकट्ठे हो गए और सब रावण के सिरों से मिलकर के एक हो गए, एकजुट हो गए। तो कहेंगे राम का राज्य तो नहीं है, आ रहा है, माने एक का राज्य आ रहा है और अनेकों मिलकर के एकजुट हो जाते हैं, तो वो रावण का राज्य अभी चल रहा है। तो वो तुमको समझाना पड़ेगा। क्या क्या समझाना पड़ेगा है? कि अनेक मिलकर के जब एकजुट हो जाते हैं रावण के मुखों की तरह, तो फिर रावण का राज्य चलता है। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा के अनेक सिर मिलकर के एकजुट हो गए, तो क्या कहेंगे? रावण का राज्य कि राम का राज्य? क्या कहेंगे है? रावण का राज्य। फिर वो ही ब्रह्मा के सिर जो हैं वो खत्म हो गए, फिर क्या हो गई? भुजाएं हो गई। क्या उनमें से
एक रह गया और चार भुजाएं हो गई। ब्रह्मा के पांच भूत खाए जाते हैं ना, तो एक मुख का शासन चला और बाकी चार सहयोगी हो गए। तो क्या कहेंगे, राम राज्य कहेंगे कि रावण राज्य कहेंगे? राम राज्य कहेंगे। तो ये बात तुमको समझानी पड़ेगी। क्या क्या बात समझानी पड़ेगी? एक का शासन होता है तो राम राज्य, और दो चार आठ दस मिलकर के इकट्ठे भी हो जाएं तो है रावण का राज्य। अभी बताया दो कहां मिलकर के इकट्ठे हो गए, द्वापर के आदि में। एक रावण आया पितृ देश वाला, और एक क्या मुखिया कोई होगी कि नहीं देवताओं, कौन है मुखिया माता कोई होगी कि नहीं, कौन है? कुमारी कुमार का ल, वो तो जड़ है, जड़ से भी पहले कौन होता है? जड़ पावरफुल की बीज पावरफुल है? माया। हाँ माया क्या देवताओं के युग में होती है? ल, एक नई बात बता दी, देवताओं के युग में माया का कुछ चलता है क्या? चलता है नहीं चलता? चलता है वहां तो नहीं चलता, तो फिर किसका चलता है? वहां प्रकृति सारा काम करती है, है? क्या पांच तत्वों का संघात जड़ प्रकृति संगठित होकर के सेवा करती है, किसकी? देवताओं की। वहां शासन उसका नहीं चलता। तो ये बात तुमको समझाना पड़ेगी। क्या के वहां सतयुग में चाहे माया बेटी ही बीज रूप क्यों न हो, और चाहे उसके बरगलावे में आने वाली माता ही क्यों न हो, वो भी सेवाधारी होते हैं सब। कोई भी राज्य चरणों का चलता नहीं है, फिर भी अच्छी तरह से समझाना चाहिए। वाणी तो चलती रहेगी समझाने के लिए, क्या अंत तक वाणी चलती रहेगी जब तक 500-700 करोड़ रुपए इस बात को न समझे, वाणी तो चलती रहेगी। जैसे जैसे दशहरा नजदीक आता जाएगा तो वाणी और जोर शोर से चलती, क्योंकि दशहरा बार बार आएगा तो रावण बड़ा होकर के आएगा कि छोटा होकर के आएगा? रावण और बड़ा होकर के आएगा। तो जैसे जैसे बड़ा होकर के रावण आएगा तो क्या होगा? तुम्हारी बाबा की वाणी जोर शोर से चलती रहेगी, क्योंकि अभी तो जन्माष्टमी में पीछे है ना, पीछे मैं समझता हूं आएगा दशहरा। पहले जिसमें जन्माष्टमी के पहले दशहरा, पहले जन्माष्टमी पीछे दशहरा आता है। तो पहले तो कृष्ण की जयंती होनी चाहिए ना, क्या किसकी जयंती? कृष्ण बच्चे की जय जयकार होनी चाहिए, जयंती होनी चाहिए। कौन से कृष्ण की? सतयुग के कृष्ण की? नहीं, शुरुआत वहां से थोड़ी होती है मनाने करने की। हाँ संगम युगी कृष्ण की बात है, मैं समझता हूं है पहले जन्माष्टमी आए फिर दशहरा आएगा। दशहरा आएगा रावण राज्य खत्म होता है, तो फिर हरेक की आत्मा जग जाती है। क्या हरेक में कौन कौन आ गया है? हर एक की आत्मा जग जाती है माने कौन कौन की? चाहे वो रावण संप्रदाय के हो, चाहे राम संप्रदाय के हो, चाहे राम वाली आत्मा हो, चाहे
रावण वाली 10 सिरों की मिलकर के पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, सब सुजाग हो जाते। कहां, कौन से युग में है? सत्य युग में सब सुजाग हो जाते, सब प्योर बन जाते। तो इसको कहा जाता है भाई घर घर में सोझरा, क्या घर घर में दीपावली, क्या आत्मा रूपी दीपक हर घर में जल गए, दीपमाला। दीपमाला माने माला, माने जगते हुए आत्मा रूपी दीपकों की माला, माने संगठन। तो अरे घर घर में दीपमाला, इसका अर्थ क्या है? है घर घर किसी का, घर किसे कहा जाता है? हाँ, घरवाली को घर कहा जाता है कि ईंटों के मकान को घर कहा जाता है? नहीं, तो घर घर में दीपमाला, हर घर में आत्मा रूपी दीपक जल जाएंगे, इसका ये अर्थ है। ये हमारी ज्योति जगी हुई है अभी आत्मा की, हमको तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल गया है। तीसरा नेत्र जब ज्ञान का मिल जाता है तो फिर प्रैक्टिस करते हैं कि हम क्या है, ज्योति बिंदु आत्मा है। और प्रैक्टिस करते करते जब निरंतर आत्मा की याद पक्की हो जाती है तो समझ लो कि हम प्योर बन गए। तो सतयुग में तो हम प्योर होते ही हैं, है वास्तव में त्रेता को लेंगे, है हम बोलेंगे कुछ वो प्योरिटी डिम हो गई है। सतयुग के बाद जो त्रेता युग आता है उसमें 2% प्योरिटी डम हो गई, ऐसे कहेंगे। तो ये अभी उनको समझाना पड़े ना, क्या क्या समझाना पड़े है। राम के लिए क्या कहते हैं, कितना कला संपूर्ण, 14 कला संपूर्ण, तो 2 कला कम हो गई ना। नारायण के लिए तो नहीं कहते, कहते हैं नारायण के लिए नहीं कहते, हाँ कहते होंगे तो उन नारायणों का तो कोई जिक्र ही नहीं है शास्त्रों में, उनका कोई गायन है ही नहीं, जो कम कलाओं वाले नारायण उनके बारे में कोई नहीं जानता दुनिया। तो अभी उनको ये समझाना पड़े, क्या तुम बच्चे समझदार बने हो, बाकी तो सभी बेसमझ बंदर हैं। है ये क्या कहा, बाकी सभी कौन कौन, बाकी सभी अरे और तुम बच्चे कौन है? जैसे कहेंगे तो उनको बंदर ही कहेंगे। ओहो समझदार, लेकिन कौन, 500-700 करोड़, हाँ किसके लिए बोला, तुम बच्चे समझदार बने हो, बाकी तो सभी हैं बंदर। तो सभी में कौन कौन आ गए, सूर्यवंशी आ गए 4.5 लाख पक्के सूर्यवंशी, ऐसे तो 9 लाख भी हैं, है तो वो सब समझदार बने। उनमें से कोई अभी रावण को तो नहीं जलाता होगा बाहर वाले दुश्मन को, 9 लाख में जितने भी होंगे ब्राह्मण संप्रदाय बने हुए संगम में, वो बाहर के रावण को तो नहीं जलाते होंगे बाण मार मार के,
अग्निबाण छोड़ते हैं ना, तो कहते अग्निबाण जला देता था। हाँ, तो 9 लाख जलाते होंगे, पर कितने जलाते होंगे? 9 लाख बाहर वालों को जलाते होंगे, 9 लाख अपने अंदर वाले रावण को जलाते होंगे, है 9 लाख प्रजापति की आत्मा राजयोग सिद्धि है। हा, माता जी ने सही पहचाना। बाबा पहले तो 8 को पकड़ते हैं, पहले तो 2 को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद 8 को पकड़ते हैं। तो तुम बच्चे समझ हो, समझदार बने हो, बाकी तो सभी हैं बेसमझ बंदर। जैसे उनको कहेंगे तो बंदर ही कहेंगे, है बंदर तो बनाएंगे ना जरूर, है कौन बनाएंगे? भक्ति मार्ग में जब राम रावण की लड़ाई दिखाते हैं तो क्या बनाते हैं? रावण से लड़ाई लड़ने के लिए कौन बनाते हैं? है कौन? बंदर। बंदर क्यों बनाते हैं? गाय बैल भैंस बना दे, बंदर क्यों बनाते? कुछ कारण? अरे अरे खुशी होते रहो बना, बताओगे जल्दी जल्दी है? सेना मिली बंदरों की राम को, राम को आदमी मिले ही नहीं। हाँ जंगल में थे ना, कांटों के जंगल में कौन मिलेंगे, है दुखदाई मिलेंगे ना। अच्छा तो बंदरों को जरूर बनाएंगे, परंपरा कहां से शुरू होगी? ये जो परंपरा है वो कहां से शुरू होती है? संगम युग से। तो संगम युग में ये जो भगत होंगे ना, संगम युग में भगत होते हैं कि नहीं? है भगवान के भगत भी होते हैं, भगवान के राजा बच्चे भी होते हैं, और भगवान के फैमिली के भांति भी होते हैं। तो बताया मनुष्य को तो बंदर बनाएंगे ना, सब मनुष्यों को बंदर बनाए देंगे है शूटिंग करने के लिए, है बनाएंगे कि नहीं? अरे सबको बनाएंगे कि कोई को छोड़ देंगे? नंबर बार बनाएंगे सब, माना 500-700 करोड़ सारे ही बंदर हैं, उनमें देव आत्माएं होंगे कि नहीं? वो भी बंदर होंगे। और उनमें 8 होंगे कि नहीं? वो भी बंदर। और फिर राम कौन होगा? राम कोई नहीं, सारे ही बंदर हो गए। अरे राम कोई होगा कि नहीं? एक सिर वाला, कि एक सिर का भी उसको, उसका एक सिर भी उड़ाए देंगे, जैसे ओम मंडली में उड़ाए दिया, क्या करेंगे है? अरे उसका एक सिर रहने देंगे कि नहीं? अच्छा तो मनुष्य को तो बंदर बनाएंगे ना, माना वो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो मनुष्य नहीं है, है तो उसको बंदर नहीं बनाते? बनाते हैं। अच्छा कौन बनाते हैं? है ऊपर वाला नी? अच्छा जो बनाने वाला है वो रचयिता है, बंदरों को रचता है, है? अरे बंदरों को बंदर पैदा करेंगे ना, कौन पैदा करेगा बंदरों को? है बंदरों का बाप बंदर, तो ऊपर वाला बंदर है। विकारी बनते हैं तो बंदर। अच्छा मनुष्य सब विकारी बन गए तो बंदर, मनुष्य उनमें जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो विकारी बन गया तो बंदर, है ना? अरे विकारी बन गया तभी ना बंदर। अच्छा बंदर बनाएंगे तो अब
लड़ाई लड़ने वाला जो रावण से लड़ाई लड़ेगा वो बंदर तो सबको बना दिए, फिर राम कोई रहेगा कि नहीं? बाबा ने तो बोला तुम सब सीताएं हो, राम है एक, तो वो राम एक वो भी बंदर बन गया, नहीं बन गया? कभी कहते हाँ बन गया, कभी कहते नहीं बन गया। मुरली में तो बोला है जो बड़ा बंदर होता है वो पकड़ में नहीं आता है, बोला कि नहीं? हनुमान, हनुमान बड़ा बंदर है। हनुमान माने हनुमान क्या मान मर्तव्य को हनन करने वाला, मार देना सबके मान मर्तव्य को हनन कर दे, मार दे तो कौन है फिर? ऐसा कौन है जो सबके मान मर्तव्य को हनन कर दे, सबके अहंकार को खत्म कर दे? रामबाब, रामबाब हनुमान है बड़ा बंदर। हाँ बिल्कुल सही बात, सबसे बड़ा बंदर तो वो, तो मनुष्यों को तो बंदर बनाएंगे ना। फिर सवाल ये है फिर राम कौन? माता जी कहती ऊपर वाला है, तो बंदर बनाने वाला भी क्या होगा? बनाने वाला बाप होता है ना, रचयिता, तो क्या होगा? बोल बंदर, धर्मराज के पल्ले डाल देगा ऐसी ऐसी बातें करोगे। कहते ऊपर वाला भी बंदर, हाँ राम बंदर, कौन राम बंदर है? मनुष्य को तो बंदर बनाएंगे ना, माने सारे मनुष्य जितने हैं दुनिया में वो सब बंदर बन गए, फिर राम कौन हुआ? राम की सेना बनाएंगे तो फिर बंदर ही लेंगे ना, तो फिर राम कौन हुआ? अरे राम हुआ जो राम के शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करता है, उसकी आत्मा को कंट्रोल नहीं करता। तो शरीर को कंट्रोल करने वाला कौन हुआ? हाँ वो ऊपर वाला है ना, तो वो क्या बंदर है? है नहीं, वो त्रेता वाला राम समझ लेते हैं, त्रेता वाला राम थोड़े है। और वो जो लड़ाई लड़ता है बंदरों की सेना लेकर के, वो त्रेता वाला राम नहीं है? है ना? और ऊपर वाला तो लड़ाई लड़ता नहीं किसी से, है? तो ये बनाता कौन है बंदर? मनुष्य को तो बंदर बनाएंगे ना, रावण बनाता है बंदर नहीं, वो अपना दुश्मन क्यों बनाएगा लड़ाई लड़ने के लिए? अभी मनुष्य को बंदर है, क्या कहा? अभी मनुष्य को बंदर बनाएंगे तो वो कपड़ा तो उतार देंगे ना, कौन सा कपड़ा? मनुष्यों वाला, जो मनन चिंतन मंथन कर सके वो कपड़ा तो उतार देंगे ना, वो मनन चिंतन मंथन कुछ भी नहीं करेगा, बंदर क्या करेगा? अतः अपनी बंदरबाजी करेगा, वो ये थोड़े ही सोचेगा कि वो मन का उपयोग करें, नहीं, वो कपड़ा उतार देंगे। कौन सा कपड़ा? मनुष्य वाला, मनन चिंतन मंथन करने वाला। फिर मनुष्य का मनुष्य हो गया, परंतु मनुष्य तो बंदर आधा कल्प के लिए बन जाते हैं। मनुष्य बन जाते हैं, देवता ही नहीं बन जाते है? देवात्माएं बंदर नहीं बन जाती है? वो भी तो बनती हैं, नहीं बनती? वो भी बनती है, नीचे उतरती है। आधा कल्प के लिए बंदर बन जाते हैं, है ना? हाँ, फिर कोई बंदर होते हैं उनका काला मुंह हो जाता है, तेरे नहीं था। कोई बंदर होते हैं लाल मुंह वाले बंदर होते हैं, क्या कोई काले मुंह वाले लंबी पूछ वाले, कोई छोटी पूछ लेकिन मुंह
लाल लाल हो जाता है क्रोध में, तो जो काला मुंह वाले हो जाते हैं वो फिर काम चिट्ठा पर बैठ गया है। क्यों काला मुंह हो गया? काम चिट्ठा पर बैठने से काला मुंह हो गया है, फिर तो वो बंदर बनने लग गया ना। ओम शांति।